बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज कौन से टिश्यूज हैं जो के मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही इवॉल्व होते हैं, यानी जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं। शुरू में अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि ये जो प्लांट है, ये शूट, एक शूट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, शूट का, शूट के ऊपर ये जो रीजन है, ये जो ऊपर वाला टिप पे जो रीजन होगा वो क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम। यानी ये जो टिप पे ग्रोथ हो रही है ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो ग्रोथ हो रही है ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये रीजन। अब ये जो टिप है, ये जो रीजन है, ये तो एपिकल मेरिस्टेम ही है, ये वाला। लेकिन अब ये जो पुराना रीजन हो गया है, जो पहले वाला रीजन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू में। यानी जो शूट की या जो रूट की टिप है वो एपिकल मेरिस्टेम होगा, लेकिन बाकी ये जो रीजन है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ, बाकी ये जितना भी जो रीजन होगा ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो रीजन है, बाकी जितना भी रीजन है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, परमानेंट टिश्यू में। यानी ये जो रीजन है ऊपर वाला एपिकल मेरिस्टेम होगा, और जो एपिकल, ये शुरू में यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टेम था, फिर एपिकल मेरिस्टेम ऊपर आता गया आता गया आता गया आता गया, और ये एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे पहुंच गया, अभी एपेक्स यहाँ पे आ गई है, टिप ऊपर आ गई, बाकी जो नीचे वाला रीजन है वो क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अभी आपने देखना है कि परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यूज से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, और द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। यानी अब यहाँ पे डिवीजन हो रही है, इस रीजन में डिवीजन तो हो रही है, ये एपिकल मेरिस्टेम है, लेकिन ये जो रीजन परमानेंट जो कन्वर्ट हो गए हैं, इसमें डिवीजन नहीं होगी, परमानेंट में डिवीजन नहीं होगी। अच्छा, इनकी फर्दर तीन टाइप्स हैं, अगर आप इसकी टाइप्स देखें कि परमानेंट टिश्यूज की, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे दोबारा से। के जी देखें, सिंपल टिश्यू में हमने मेरिस्टमेटिक पढ़ लिया, एपिकल पढ़ लिया, लेटरल पढ़ लिया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तीनों हम पिछली वीडियो में या पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज जो हैं, ये परमानेंट टिश्यूज की अगर तीन टाइप्स हैं, एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, स्पोर टिश्यूज। ये सारे के सारे किससे इवॉल्व हो रहे हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही। इनको सिंपल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें एक ही किस्म के सेल्स होते हैं। इनको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं, इनके अंदर ज्यादा टाइप्स के सेल्स हैं। तो अब वापस जब हम आएंगे बुक के ऊपर, ठीक है, और बुक से देखेंगे एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज जो है ना, इनके मैं स्ट्रक्चर पहले आपको दिखाता हूँ एपिडर्मल टिश्यूज का, और फिर जो है उसको हम अच्छी तरह डिस्कस तब कर सकेंगे। एपिडर्मल टिश्यूज को हम डिस्कस तब करेंगे जब हम उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। इंटर कैलरी है यहाँ पे, जी ये एपिडर्मल टिश्यूज अभी हम देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये पत्ते का एपिडर्मल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, ये अपर एपिडर्मस है, यानी जो बैरूनी लेयर है। एपिडर्मल क्या कर रहे हैं, कवरिंग कर रहे हैं, बॉडी को कवर कर रहे हैं, जिस तरह हमारे इंसानों की बॉडी के अंदर या जो एनिमल्स है उनके जिस्म की जो बैरूनी तह है उसे कहते हैं एपिथीलियल टिश्यूज की बनी होती है। जो प्लांट्स की बॉडी है वो एपिडर्मल टिश्यूज की बनी हुई है, जो बैरूनी तह है। ये पत्ते की जो बाहर वाली लेयर है ये क्या चीज है, एपिडर्मल, अपर एपिडर्मस। इसको मैं आपको साथ साथ सारा मैं समझाता जाता हूँ और आपने साथ साथ नोट करते जाना है। अपर एपिडर्मस है, ये क्या चीज है, अपर एपिडर्मस। इसके ऊपर एक एक्सटेंशन है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, वैक्सीक्यूटिकल, जो इसको ट्रांसपायरेशन वगैरह से, यानी वेपर्स के लॉस से बचाती है। इसके बाद ये लोअर एपिडर्मस है, ये क्या चीज है, लोअर एपिडर्मस। और लोअर एपिडर्मस के नीचे ये क्या चीज है, दोबारा क्यूटिकल है। अच्छा, इसके दरमियान में ये जो सेल्स हैं पत्ते के सेंटर के अंदर, ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल। पत्ते का ये स्ट्रक्चर हमने ले लिया, ऊपर वाली जो सतह होगी अपर एपिडर्मस, जो पत्ते की निचली सतह होगी उसको लोअर एपिडर्मस, इसके दरमियान में जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं वो पैलिसेड हैं, जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, लॉन्गी ये सिलेंडर लाइक सेल्स हैं, इनको क्या कहेंगे, पैलिसेड मीजोफिल सेल। इसके नीचे ये जो नजर आ रहा है ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं, ये कौन से हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल हो गए, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल हो गए। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि जो यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। ये जाइलम आ रहा है, ये फ्लोएम है। ठीक है, लोअर एपिडर्मस में ये आपको स्टोमेटा नजर आ रहे हैं, क्या चीज नजर आ रही है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के इर्द-गिर्द क्या होता है, गॉड सेल्स होता है। पैलिसेड मीजोफिल सेल में क्या चीज होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये ऊपर एक्सटेंशन थी जिनको ट्राइकोम कहते हैं, लीव्स के ऊपर ये बंडल शीट्स इनको कह लें, या वेस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, ये दोबारा जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीजें हमने, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हो गए, इनके अंदर एयर स्पेसेस हैं। अब बुक पे वापस आएंगे और बुक से देखेंगे हम एपिडर्मल टिश्यूज को। ठीक है, इसको अच्छी तरह करके पढ़ते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं एपिडर्मल टिश्यूज के, तो ये जो ऊपर की जो लेयर है
वो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू की जो ऊपर की लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ऊपर की साइड पे अपर एपिडर्मस, ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाई है, और जो नीचे की होगी उसको हम क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मस। ये जो नीचे की लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मस। अच्छा, अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। तो एपिडर्मल टिश्यू आर कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, दे आर कवर्ड द प्लांट बॉडी, दे एक्ट एज ए बैरियर, यानी ये बैरियर के तौर पर बाहर वाली एनवायरनमेंट से इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल सेल्स को महफूज रखते हैं। इन रूट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब जो रूट्स की एपिडर्मस है, जो एपिडर्मल सेल है वो एब्जॉर्ब वाटर कर रहे हैं, रूट के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये जो रूट है, रूट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर, सॉरी, ये रूट का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो रूट के बाहर भी क्या चीज होता है, ये एपिडर्मस ही होता है, जिसका काम क्या है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, पानी को एब्जॉर्ब करना या मिनरल को एब्जॉर्ब करना। ऑन स्टेम या लीव्स, लीव्स के ऊपर एक जो क्यूटिकल होती है, लीव्स के ऊपर या फिर नीचे की साइड पे या स्टेम के अपर साइड पे या लोअर साइड पे क्या होती है, क्यूटिकल, जिस तरह हमने पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्या कर रहा है, क्यूटिकल का काम क्या है, ये वेपोरेशन से पौधे को बचा रही है, यानी इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट कह रहा हूँ, जो पानी जो बुखार की सूरत में निकलता है, उसकी वेपोरेशन को कम कर रही है, यानी ट्रांसपायरेशन के रेट को कम कर रही है, ताकि पौधे के अंदर विल्टिंग या डेसिकेशन ना हो। एपिडर्मल टिश्यू अगर हम बात कर रहे हैं, सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल रूट्स, रूट्स के ऊपर रूट एयर नजर आएंगी आपको, रूट्स के ऊपर आपको क्या नजर आएंगे, रूट्स एयर, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन या सर्फेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, पानी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं पौधों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर वो स्टोमेटा होता है, ठीक है, अपर एपिडर्मस पे या लोअर एपिडर्मस पे स्टोमेटा होंगे, इसको दोबारा आपने देख लेना है, यहां से ये देखें, ये लोअर एपिडर्मस पे यहाँ पे स्टोमेटा नजर आ रहे हैं, ये लोअर एपिडर्मस, अपर एपिडर्मस, ये ऊपर नीचे क्यूटिकल है, पैलिसाइड मीसोफिल सेल, स्पॉन्जी मीसोफिल सेल, वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी तरह आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये स्टोमेटा हो गए, ये आपको स्टोमेटा नजर आ रहे हैं, इसके अंदर गार्ड सेल नजर आ रहे हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, यानी ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं इनके दरमियान में यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, एपिडर्मल टिश्यूज का।